हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं हम लोग स्टैंडर्ड 4 सीबीएसई की इंग्लिश की लेसन रीड एंड एंजॉय का कंसिडरेट बॉस। अ फ्यू डिकेड अगो इन इंडिया द साइंटिस्ट प्रोजेक्ट वाज अंडरवे। कुछ सालों पहले साइंटिस्ट का एक प्रोजेक्ट चल रहा था इंडिया में। अबाउट 70 साइंटिस्ट वो वर्किंग हार्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। लगभग 70 साइंटिस्ट वर्क कर रहे थे वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। द प्रोजेक्ट वाज हेडेड बाय द चीफ साइंटिस्ट। कैन यू गेस हु द चीफ साइंटिस्ट वाज? आपको पता है क्या ये इसका हेड कौन था, ये प्रोजेक्ट का उसका चीफ साइंटिस्ट कौन थे? ही वॉज नन अनदर आवर फॉर्मल प्रेजिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे जो हमारे फॉर्मल प्रेजिडेंट थे। यू नो हु ही इज, डोंट यू? आपको तो पता ही होगा वो कौन है। ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो हम लोग जान लेते हैं। डॉक्टर कलाम इज़ नोन फॉर हिज पंक्चुअलिटी एंड डिसिप्लिन। डॉक्टर कलाम अपनी पंक्चुअलिटी, टाइम पे आते हैं वो, टाइम पे काम करते हैं और अपने डिसिप्लिन के लिए बहुत फेमस है। द प्रोजेक्ट वॉज वेरी टफ, इट हैड टू बी कम्प्लीटेड विद इन द सर्टन पीरियड ऑफ अ टाइम। वो प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा हार्ड था और वो पर्टिकुलरली टाइम में फिनिश करना था। सो ऑल द साइंटिस्ट इंक्लूडिंग डॉक्टर कलाम वो वर्किंग राउंड टू द क्लॉक टू दी फिनिश द वर्क इन द टाइम। सो दिन रात बिना घड़ी की टेंशन किए हुए डॉक्टर कलाम और सारे साइंटिस्ट वो प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करने में लगे हुए थे। वन डे वन ऑफ द जूनियर साइंटिस्ट कम टू हिज बॉस डॉक्टर कलाम विद हिज रिक्वेस्ट। एक दिन एक जूनियर साइंटिस्ट आया अपने बॉस डॉक्टर कलाम के पास एक रिक्वेस्ट लेके। उसने बोला, सर आई हैव प्रॉमिस माई चिल्ड्रन दैट आई विल टेक दैम टू द एग्जीबिशन, विल यू प्लीज अलाउ मी टू लीव द लिटल अर्ली दिस इवनिंग। उन्होंने बोला कि प्लीज, मैंने अपने बच्चे से आज प्रॉमिस किया था कि मैं उसको एग्जीबिशन में लेके जाऊंगा, तो क्या मैं आज थोड़ा जल्दी घर जा सकता हूँ? डॉक्टर कलाम वॉज कंसिडरेटेड बॉस। ही हैप्पीली ग्रांटेड परमिशन टू जूनियर साइंटिस्ट। डॉक्टर कलाम बहुत अच्छे बॉस थे तो उन्होंने अपने जो साइंटिस्ट को है, जूनियर साइंटिस्ट को परमिशन दे दिया। देन द जूनियर साइंटिस्ट कंटिन्यू विद हिज वर्क, द टाइम वॉज टिकलिंग ऑन। फिर जूनियर साइंटिस्ट अपना काम कंटिन्यू करता रहा, टाइम खत्म हो रहा था। ही गॉट सो इन्वॉल्व इन हिज वर्क दैट ही फॉरगॉट हिज प्रॉमिस मेड टू हिज चिल्ड्रन। यहाँ पे डॉक्टर कलाम ने तो उसको हाँ बोल दिया, लेकिन वो जो साइंटिस्ट था, जूनियर साइंटिस्ट, वो अपने काम में इतना इन्वॉल्व था कि वो भूल ही गया कि उसको तो अपने बेटे को लेके एग्जीबिशन में जाना था। व्हेन ही सडनली लुक एट हिज वॉच, इट वाज 8:30 PM, ही वाज अगस्त। वो बहुत ही गुस्सा हो गया अपने आप से कि 8:30 कैसे हो गए। व्हेन ही थॉट ऑफ हिज चाइल्ड दे वुड बी वेटिंग फॉर हिम टू टेक दैम टू द एग्जीबिशन, वो सोचने लगा कि मेरा बेटा तो वेट कर रहा होगा, मेरे बच्चे वेट कर रहे होंगे कि कब पापा आएंगे, हम लोग एग्जीबिशन में जाएंगे। He became restless and rushed to his boss. He wasn't there. वो गया वहाँ पे एकदम ढूंढते ढूंढते अपने बॉस को, लेकिन उनके बॉस वहाँ नहीं थे। He walked through the workspace और वो वहाँ पे workspace से बाहर आए। It looked deserted, सब खाली था। Then he closed his office and left for the home. उसने अपनी ऑफिस को बंद किया और फिर घर चला गया। ही वॉज फीलिंग गिल्टी ऑल द वे बैक होम। जब वो घर जा रहा था तो उन्हें बहुत गिल्टी फील हो रहा था। ही कुडंट इवन इमेजिन फेसिंग हिज चिल्ड्रंस। वो ऐसा सोच रहा था, जूनियर साइंटिस्ट, कि मैं अपने बच्चों को कैसे फेस करूँगा। दे रेयरली आस्क हिम टू फॉर समथिंग। वो कभी कभी तो कुछ ना कुछ मांगते हैं, कभी ही कुछ चीज़ें मांगते हैं। दिस द टाइम दे आस्क फॉर द इवनिंग आउट टू द एग्जीबिशन, बट ही कुड नॉट फुलफिल दैट विश। पहली बार ही तो उन्होंने ऐसा मांगा था एग्जीबिशंस में जाने के लिए, कभी कभार कुछ मांगते हैं, और इस बार एग्जीबिशन में जाना मांगा था और मैं वो फुलफिल नहीं कर पाया वो विश। व्हेन ही रीच होम ही बिकम मोर रेस्टलेस। वो घर पर गया तो और ज़्यादा अपने आप पर खराब फील करने लगा। ही थॉट हिज चिल्ड्रंस वुड बी देयर फीलिंग डिसअपॉइंटेड। वहाँ पे ऐसा इमेजिन कर रहे थे उनके जो बच्चे होंगे वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड होंगे, बैठे होंगे। इंस्टेड हिज वाइफ वॉज देयर सिटिंग इन हर फेवरेट आर्म चेयर रिलैक्स रीडिंग अ मैगजीन। और जब वो घर गए तो उनकी जो बीवी थी वो अपने फेवरेट आर्म चेयर पर, जो कुर्सी होती है वहाँ पर, रिलैक्स होकर मैगजीन रीड कर रही थी। जूनियर साइंटिस्ट वॉज पजल्ड, ही स्टूड देयर क्वाइटली। जूनियर साइंटिस्ट, उसको लगा कि घर पे तो ऐसे लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, ऐसे थोड़ा अपसेट जैसा माहौल हो जाएगा, लेकिन वो बहुत ही कंफ्यूज हो गया और वो थोड़ी देर के लिए तो खड़ा रहे। वुड यू लाइक सम कॉफ़ी, शैल वी हैव अ डिनर स्ट्रेट अवे, हिज वाइफ आस्क अ स्माइलिंग चीयरफुली। उनकी वाइफ ने स्माइलिंग करके पूछा कि कॉफ़ी लोगे या फिर स्ट्रेटली डिनर ही दे दूँ। ही आस्क एट लास्ट, वेयर आर चिल्ड्रंस, हमारे बच्चे कहाँ है? तो शी रिप्लाई, दे हैव गॉन टू द एग्जीबिशन, वो लोग तो एग्जीबिशन गए। ही आस्क फीलिंग सरप्राइज, उन्होंने पूछा सरप्राइज होके कि सरप्राइज होके एग्जीबिशन किसके साथ? हिज वाइफ गॉट अप टू द गेट द कॉफ़ी फॉर हिम एंड सेड, कॉफ़ी लेके आए उनके वाइफ उनके लिए और बोला, आपके बॉस 5:15 शार्प आ गए थे, टुक द चिल्ड्रंस अवे टू द एग्जीबिशन, और वो आपके बच्चे को एग्जीबिशन में लेके गए। द जूनियर साइंटिस्ट कुडंट फाइंड द वर्ड टू स्पीक। और यहाँ पे साइंटिस्ट एकदम हक्का बक्का रह गए और उनको पता ही नहीं पड़ा कि क्या हो गया, बॉस और बच्चों को एग्जीबिशन लेके गए। दिस वॉज वॉट हैड हैपन।
After getting permission from his boss to take his children to the exhibition, the junior scientist got back to his work. When Dr. Kalam had come to spot and saw him working, he understood that the junior scientist was engrossed in his work and had totally forgotten his promise to his children. जब परमिशन मिलने के बाद जब बॉस ये सब चीज़ें देखने के लिए आए साइंटिस्ट को देखने के लिए, तो उन्होंने देखा कि साइंटिस्ट तो बहुत इन्वॉल्व है और वो भूल गए हैं अपने बच्चों को लेके जाने का जो उन्होंने प्रॉमिस किया था एग्जीबिशन लेके जाने का. सो यहाँ पे वो अपने प्रॉमिस को टूटना नहीं देना चाहते थे. सो डॉक्टर कलाम टुक द डिसीजन द जूनियर साइंटिस्ट शुड फिनिश हिज वर्क एंड एट द सेम टाइम हिज चिल्ड्रंस शुड विजिट द एग्जीबिशन हिज प्रॉमिस वुड बी कैप. तो यहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया डॉक्टर कलाम ने कि जूनियर आर्टिस्ट को अपने काम फिनिश करने दो और उन्होंने जो एग्जीबिशन जाने का प्रॉमिस किया है वो मैं पूरा कर देता हूँ. सो डॉक्टर कलाम वेंट टू द जूनियर साइंटिस्ट होम एंड टुक द थ्री चिल्ड्रंस टू द एग्जीबिशन. और डॉक्टर कलाम फिर उनके घर पे गए और अपने उनके बच्चों को एग्जीबिशन लेके गए. इट वॉज अनफॉरगेटेबल ट्रिप फॉर द चिल्ड्रंस एंडेड. और ये बच्चों के लिए यादगार घटना थी. थैंक यू सो मच. अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए. कमेंट में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा. थैंक यू सो मच.